पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। फाइनल परिणाम जारी करने की मांग है और भर्ती जिनका परिणाम आ चुका है उसकी काउंसलिंग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। अधिकारियों से मुलाकात करके संघ से मांग करें कि दोनों भर्ती परिषद जो भर्ती नीचे आए जिनकी काउंसलिंग शुरू करवाए जूनियर असिस्टेंट से और टेक्निकल हेल्पर की रेस्पॉन्स स्किल के साथ फाइनल परिणाम जारी करें। आगे अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो संघर्ष तो जारी है, जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। संघर्ष सड़क पर जारी था और जारी रहेगा। अचानक आज आपने यहाँ पर ये तो केवल एक सांकेतिक एक प्रदर्शन है जिससे अधिकारियों तक बात पहुँची, सरकार तक बात पहुँची, क्योंकि चार महीने से परिणाम जारी नहीं हुआ। पहले पेपर गड़बड़ी आई, छह परीक्षा केंद्रों पर लीक हो गए, उसके बाद दोबारा करवाया गया। तो ऐसे में राजस्थान का युवा अधिकार इंतजार कर रहा है और आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन करके और मांग की जल्द से परिणाम जारी किया। दोनों प्री की और मेन की वो परिणाम के साथ दोनों रेस्पॉन्स शीट जारी करेंगे, ठीक है ना। और परिणाम के लिए इन्होंने ये कहा है कि आज भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले दो मीटिंग हो चुकी है, आज भी मीटिंग है, पहले दो हो चुके हैं, आज भी मीटिंग है। और उन्होंने कहा 10 तारीख तक परिणाम जारी होगा, लेकिन मैं तो संतुष्ट हूँ नहीं। एक बार या तो अभी क्या स्वास्थ्य भवन पर काफ़ी लड़के हो रहे हैं दूसरी भर्ती वाले, उनसे मिलकर या तो मैं भी पता कर लेता मंत्री जी, तो तुम भी 5-10 लोग चलो, या फिर नहीं तो मैं सुबह पूछ लेते, पता कर लेता मंत्री जी है तो चलते हैं, मंत्री जी नहीं है तो कल सुबह चलते हैं, मंत्री जी से फ़ोन करवाते हैं कि साहब जल्दी कराओ क्योंकि अगले वीक में कराओ। ये 10 तारीख तक के लिए कह रहे हैं कि 10 तक जारी कर देंगे, 10 जनवरी तक के लिए। सर इनका तो क्या भरोसा है, डेट तो कन्फर्म नहीं है। डेट कन्फर्म थोड़ी है, सुनो मेरी बात सुनो, मैं बाद में जाके, पहले तो उन्होंने कहा था, पहले तो ये कहा था मकर संक्रांति तक, ठीक है ना। फिर मैं जाके पूछ के, बच्चे परेशान हैं, 150-200 लोग बाहर खड़े हैं, आपने पहले दिसंबर महीने के अंत और या फिर जनवरी फर्स्ट तक के लिए बोला था, तो कम से कम मुझे उन बच्चों को मैं तारीख तो बताऊँ, तो उनका 10 तक आप बोल दो। बाद में दोबारा पूछ के आया हूँ मैं, 10 तक लेगा, लेकिन आपके लिए एक चीज़ तो अच्छी है कि जो रेस्पॉन्स शीट की तुम मांग कर रहे थे दोनों रेस्पॉन्स शीट साथ जारी करें। 27 अगस्त और 2 नवंबर की जो एग्जाम लगी है दोनों की रेस्पॉन्स सेंसर शीट एक साथ जारी होगी, है ना। तुम्हारी रेस्पॉन्स शीट दोनों वो तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसको लेकर आज और वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, पहले मैं मेरी बात पूरी करूँगा, कहते रहना, है ना। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन वाली दो मीटिंग पहले हो चुकी है, तीसरी मीटिंग आज CMD साहब नहीं थे, नाथाव जी से मुलाकात की थी। और मैंने तो एक सवाल वो भी उठाया है, मैं भी अभी सरकार के सामने भी उठाऊंगा कि जो 6 परीक्षा केंद्र थे तो SOG क्या नए कानून थे, उनकी मान्यता रद्द की नहीं हुई, संपत्ति जब्त, कार्रवाई थोड़ी चाहिए, अपराधी जेल से बाहर आके अब घूम रहे आराम से और भर्ती परीक्षा वो लूटेंगे, तो ये चीज भी हाँ सील करना चाहिए, जो सील करो जेल में डालो। अरे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, नया कानून आया है क्योंकि नया कानून के बाद 6 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है, आपने दोबारा एग्जाम करवाया, आपने माना है, लीक हुआ है। तो ऐसे में नया कानून थे जो उनकी 10 साल की सजा का प्रावधान था, 10 लाख से 10 करोड़ की आर्थिक दंड का प्रावधान था, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था, तो वो कार्रवाई भी करे। ये तो इनके स्तर का मामला नहीं, राज्य सरकार के स्तर का मामला, राज्य ये तो कह रहे कि हमारे स्तर का मामला नहीं है, तो वो तो राज्य सरकार के सामने उठाएंगे ही, बिल्कुल। क्योंकि जैसे नया कानून आने के बाद वन रक्षक, टेक्निकल हेल्पर और कांस्टेबल और चौथी RPSC सेकंड ग्रेड, तो उन 3 भर्ती परीक्षाओं में कार्रवाई हो जाती, तो क्या इसमें दिक्कत आती क्या? नहीं आती, बिल्कुल। अभी एक अधिकारी सामने बैठा था कि आपने देखा होगा NDPS जो लोग NDPS जो तस्करी का करते हैं, तो लोग तस्करी के केस कम क्यों आते हैं, उनको पता है कि उनकी जमानत नहीं होती है, तो लोग आजकल पेपर लीक में लग गए क्योंकि उसमें पता है जमानत हो जाती है, तो इनमें डर होना चाहिए। जैसे तस्करी के लिए लोगों में डर है, 100 में से 1 केस आता है या 100 में से 80 केस इसके आ रहे पेपर लीक कह रहे, तो ऐसे में अपने रासुका का मतलब क्या होता है, NSA रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मतलब होता है कि एक बार गिरफ्तार कर लिया तो साल भर तक कोई जमानत नहीं, तो ये चीज लागू होना चाहिए। मान लीजिए आप लोग तमाम हो या लोग आए, इसमें से आधे से ज्यादा का नंबर आएगा, रातों का नंबर नहीं आएगा, लेकिन जिसका नहीं आया आने वाली भर्ती परीक्षाओं तो उनका भविष्य बचे। सही बात है, ये तो मैं आपसे यहाँ की बात नहीं औपचारिक मैं तौर पर बात कर रहा हूँ, आपसे मैं निवेदन करूंगा जो तमाम आप युवा हो
28 तारीख को जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं का भविष्य बचाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, तो आना है। मैं तो आपके साथ पहले भी था, सही है, ठीक है, मैं तो आपके साथ हूँ। कल यदि कि अभी पता लग गया तो मैं एक व्यक्ति को बता दूंगा। अभी क्या कि स्वास्थ्य भवन है ना, वहाँ प्रयोगशाला साइक की भर्ती के 200 लड़के बैठे हैं। मैं यहाँ से पहले गया हूँ अपने सेंटर पार्क में, बीएड बीएसटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे मिला हूँ, सेकंड आपके पास आऊँ, थर्ड उनके पास जाऊँगा और फिर सचिवालय में जाऊँगा। यानी कि पूरे दिन भर मैं युवाओं के लिए लगा रहता हूँ, ठीक है। 10 तारीख तक हाँ, 10 तारीख तक के लिए कहा उन्होंने। उपेन्द्र भाई साहब, ये तो झूठ बोलते हैं ऐसे ही। पहले उन्होंने 15 दिसंबर बोला, फिर 10 दिसंबर कुछ नहीं निकल। ये इनका भरोसा ही नहीं। सर सर, इनका कोई भरोसा नहीं है। अरे रुक जा भाई, अभी मंत्री जी से बात कर रहे हैं, मंत्री से बात कर रहे हैं। अरे रुक तो जाओ यार भाई, एक बार दो मिनट बात कर लो।